गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं फिर से जो है वो शेव करा के आलू बन गया हूँ। एनीवेज, सो दिस इज रमजान सीरीज, नॉट सीरीज, बेसिकली ये व्लॉग ही हो गई। सो देखते हैं कि आज मैं अफ्तारी में क्या बनाता हूँ और क्या क्या है मेरे पास। वैसे तो मुबशिर की तरफ से मैं भी आया हूँ कुछ देर पहले और उसने मुझे काफ़ी चीज़ें जब बनी हुई दे दी ऑलरेडी, बट फ्रूट चाट बनाते हैं और रोटियां वगैरह बनाते हैं, कुछ देखते हैं क्या है अफ्तारी में आज। सो यार लेट्स गो। और उससे पहले मैं आपको अपने रूम का एक शॉर्ट सा टूर भी देता हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग माई रूम इन सेंडरलैंड नाउ। सो लेट्स गो। स्टार्टिंग विद माई साइड टेबल, आई जस्ट गॉट दिस लैम्प टूडे एंड इट्स दरवाजे में आप ना देखेंगे क्या है तो बेहतर है वैसे। दिस इज़ माई स्टडी टेबल एंड उसके ऊपर थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें और सामने यहाँ पे मस्जिद है बिल्कुल, मतलब ये यहाँ से आगे जाओ तो थोड़ा सा। दिस इज़ मी, दिस इज़ माई कबर्ड, बैग्स वगैरह। अभी जानमाज में लाना भूल गया था तो आई एम यूजिंग माई बेडशीट। सो दिस इज ऑल, लेट्स गो टू द किचन। दिस इज आर किचन, दिस इज शेयर्ड किचन और तीन लोग और रहते हैं यहाँ पे। सो ये मुबशिर ने काफ़ी कुछ मुझे भिजवाया हुआ है, राइस, दिस मटन, सॉरी। और ये ना असल में बनाना से बहुत दिन मुबशिर तक गया था तो ये इतना ख़राब हो गया, तो मैं देखते हैं इनमें कुछ पड़ा या नहीं। एक दो एप्पल्स पड़े हैं, कीवी पड़ा है, तो कुछ फ्रूट चाट टाइप हो ही जाएगा। बाकी मेरा अंडे खाने का बहुत दिल चाह रहा था तो शायद हम लोग ऑमलेट या कुछ इस तरह भी बनाए। सो यार दिस इज़ माई कबर्ड, अभी मैंने बस ग्रॉसरी आज कल में की है तो अभी कुछ बनाना शुरू नहीं किया। दिस इज़ अनियंस, रेड बीन्स, लोबिया वगैरह, दूसरे पास्ता सॉस। पास्ता मैं ले तो आए काफ़ी कुछ जगह बनाना शुरू किया। अच्छा ये जो है वो टॉर्टिला रैप्स होते हैं तो मैं एज अ रोटी इसको ही गर्म करता हूँ, वैसे फ्रोजन पराठा से मिलते हैं। तो या आज मैं ये टी पी लाया था, टी बैग, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ ले लिया। और मैंने ले सब कुछ लिया लेकिन अभी तक कुछ बनाया नहीं है तो खुद से, यहाँ पे बस मैंने एक तो फंडा फ्राई किया। तो लेट्स गो, आज अफ्तारी बनाते और देखते हैं हाउ इट टर्न्स आउट, होपफुली गुड। सो गाइस आई हैव गॉट एन आइडिया, मैंने इंस्टाग्राम में एक बहुत मजे का कुकिंग वाला चीज़ देखा था, जैसे आप ब्रेड लेते हो दो स्लाइस, बीच में चॉकलेट रखते हो और ग्लास से करके उसको ना वो मतलब उसको गोल सा वो बना के ना सैंडविच टाइप होता है, तो वो सैंडविच वो टोस्टर में डालते हो और जो बाकी ब्रेड बचती है जिसका गोल पीस निकल गया होता है उसके अंदर आप अंडा बनाते हो। सो लेट्स सी कि वो मैं कैसा बनाता हूँ, अच्छा बने, इट्स माय फर्स्ट टाइम सो डोंट जज। A flat on something. ये ले लेते हैं, चलो ग्लास। मुझे लग रहा है पता नहीं क्या बनाऊंगा, लेकिन लेट्स सी। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड, लेट्स ट्राई अगेन। इस बार मैंने गोल पहले से काट लेता हूँ, लेट्स सी। सो ये मैंने काट लिया, लेट्स पुट अ चॉकलेट की तरफ, हो गई। सॉरी सॉरी गाइस, मैं बहुत बुरा शेफ हूँ, आई नो। इसको चिपकाऊँ कैसे आपस में, दूध लगा दूँ, थोड़ा ऑयल लगा देता हूँ। ओके गाइस, मैंने सोचा टोस्टर के बजाय ना मैं इसको इस पर गर्म कर लेता हूँ, क्योंकि अगर टोस्टर में सारी की चॉकलेट पिघल गई तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सो यार इस अपना अफ्तारी में बिल्कुल 20 मिनट्स आ गया तो मैं ना बाकी चीज़ों गर्म करता हूँ, चाट बनाता हूँ। केले अंदर से ऊपर से काले थे लेकिन अंदर से ठीक थे। गाइस कुकिंग इज नॉट इजी एट ऑल, लुक एट दिस, मेरे इतना बड़ा मेस बना हुआ है और अभी सिर्फ 15 मिनट रह गया अफ्तारी के लिए, मिशन अबॉर्ट। सो गाइस फाइनली समथिंग इज हैपनिंग, और ये मेरी ये भी चॉकलेट फिल्ड ये बन गई है और फ्रूट्स भी थोड़े बहुत मैंने काट। सो गाइस फ्रूट चाट में बस अब मसाला डालने लगे और आई हैड दिस जैम फिल्ड डोनट विद मी एज वेल,
और ये एक बन गया, मतलब ये एक बन गया और एक बन रहा है, सारे गर्म करता हूँ। और आई हैड दिस जूस एज वेल, तो इस थोड़ा सा जूस, ये ऑरेंज जूस जो है वो मैं चाट के निकाल लूँगा। सो या सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर माई अफ्तार, सम चॉकलेट्स, ब्रेड एंड एग्स और चॉकलेट फिल्ड दैट ब्रेड थिंगी, डोनट, फ्रूट चाट, सम मोर चॉकलेट्स, सॉलन रोटी एंड या सो अलहमदुल्ला फॉर एवरी थिंग एंड आई मेड इट इन 10 to 15 minutes, सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। So if you like this video, don't forget to subscribe and comment down below. I have only 10 minutes to do iftari, or phir namaz ka time ho jayega. So yeah, I have to. Bye. Love you.